अखिल भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक व किसान मजदूर एकता महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में हरिद्वार के गुरुकुल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वपाल दुष्यंत आधुनिक भीम ने बताया कि किसानों का यह कार्यक्रम किसानों के हित के लिए है। फिलहाल सरकार से हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम बस यही चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में फैसले ले और किसानों के बच्चों को उनका हक समय पर मिलता रहे। इसी के साथ कार्यक्रम में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भारी संख्या में किसान पहुंचे। इसके साथ ही किसानों ने हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में आई आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रख उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। फाउंडेशन जो अभी एक नया संगठन बनाए, बाकी गुरुदेव ने आदेश जो करेंगे, अब एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। हम समस्या का हल निकालने के लिए गवर्नमेंट से लड़ेंगे नहीं, बातचीत के जरिए हर रास्ता निकालेंगे। हम ना रास्ता रोकेंगे, हमारा जो है मेन उद्देश्य किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को अच्छी आधुनिक शिक्षा देना, वेदों की शिक्षा देना और अच्छी इजराइल की तरह पर अच्छी खेती की शिक्षा फ्री और देना, देहरादून में उनके लिए अच्छे आवास की व्यवस्था करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और धीरे धीरे इसको पूरे हिंदुस्तान में इस संगठन को फैलाना है, इसके संरक्षक या राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो करेगी, गुरु जी बताएंगे वो होगा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कई राज्यों के लोग आए हुए हैं। मेरा नाम अरुण शर्मा है और भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। ये किसान यूनियन के द्वारा एक महापंचायत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अनेक संगठन आए हुए हैं और उनको एक मिला करके एक हम भारतीय किसान संगठन जो है बनाने जा रहे हैं। दूसरा, जो किसानों की समस्याएं हैं वो सब लेके लोग आए हैं और उस समस्याओं का समाधान करना, और जो हमारा संगठन है उसका उद्देश्य केवल सरकारों से लड़ना ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर गांव में, देहातों में जो कुरीतियां हैं, जो दहेज प्रथा है, नशे की प्रथा चल रही है, उन सबको दूर करके एक अच्छा भाव, अच्छे नौजवान पैदा करना है। स्पोर्ट्स में जाएं, अच्छी जगह जाएं। मैं तो काफ़ी दूर दूर से हैं, हरियाणा से भी लोग आए, दिल्ली से भी हैं, यूपी से हैं, अपने उत्तराखंड के तो सभी लोग हैं। इसमें लोग काफ़ी दूर दूर से आए और इसमें भाग ले रहे हैं। काफ़ी अलग अलग यूनियनों के जिम्मेदार आदमी आए हुए हैं।